नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर विकास प्राधिकरण के निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा करने हेतु शहीद पार्क, पिपलियाना स्थित फ्लाईओवर ब्रिज और इंटरनेशनल स्तर के बनाए जा रहे स्विमिंग पुल का दौरा किया। सामाजिक संस्था श्री गणेश्वरी संस्था के तत्वाधान में इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन से गणेश जी महाराज की शाही सवारी निकाली गई। इसमें गौरी नंदन गणेश महाराज ने पालकी में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। बड़नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के नौ निहालों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के साथ साथ छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर विकास प्राधिकरण के निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा करने, शहीद पार्क, पिपलियाना स्थित फ्लाई ओवर ब्रिज तथा इंटरनेशनल स्तर के बनने जा रहे स्विमिंग पूल का दौरा किया। इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा तत्कालीन आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी की रही। उनका मोह आईडीए बोर्ड भंग हो जाने के बावजूद भी आईडीए से हट ही नहीं रहा है। वो खुद लोकसभा स्पीकर को आईडीए की योजनाओं की जानकारियां देते जा रहे थे। यही नहीं, इस अवसर पर अन्य भाजपा नेता और विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण की इन योजनाओं से कुछ सरोकार नहीं था, लिहाजा अब चुपचाप ताई के आगे पीछे घूमते रहे। इधर एक बात और ज्यादा इस दौरे में दिलचस्प रही कि इस दौरान आईडीए सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी नदारद थे, जबकि इंदौर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन बोर्ड सदस्य वीरेंद्र व्यास, राजेश उदावत भी इस तरह घूम रहे थे मानो अभी वह बोर्ड के सदस्य हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सामाजिक संस्था श्री गणेश्वरी संस्था के तत्वाधान में इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन से गणेश जी महाराज की शाही सवारी निकाली गई। इसमें गौरी नंदन गणेश महाराज ने पालकी में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। पालकी में श्री गणेश विराजित थे, जिनका रहवासियों ने पूजन कर नमन किया। वहीं सवारी का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। महाकाल की तर्ज पर इंदौर में भी गणेश जी की सवारी पिछले 16 वर्षों से निकाली जा रही है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि जैसे उज्जैन में महाकाल की सवारी निकाली जाती है, वैसे ही इंदौर के महाराजा गणेश जी हैं, इंदौर में उनकी भी वैसी ही सवारी निकाली जाती है। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी और विधायक महेंद्र हाडिया भी इस शाही सवारी में पहुंचे। सवारी में अखाड़ा, भगवा ध्वज लिए युवा डीजे भजनों की धुन पर युवा वर्ग व बालिका महिला मंडल नृत्य करते हुए चल रहे थे। सवारी में नंदी पर बैठे भगवान भोलेनाथ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सवारी में माता पार्वती एक डोली में बैठी हुई दिखाई दी। सवारी में हनुमान जी को भगवान शिव की आरती करते हुए दिखाया गया। सवारी में छोटे छोटे बच्चे बग्घियों में सवार थे। सवारी में भगवान कृष्ण और मीरा भी नृत्य पर थिरकते हुए दिखाई दिए। शाही सवारी रात के करीब 9:30 बजे खजराना गणेश मंदिर पहुंची। इस दौरान सवारी में बड़ा जनसमूह दिखाई दिया। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। खजराना गणेश जी महाराज की शाही सवारी सामाजिक संस्था श्री गणेश्वरी के तत्वाधान में निकलती है। विगत 16 वर्षों से यह गणेश जी की शाही सवारी निकलती है। जैसे उज्जैन की महाकाल की शाही सवारी निकलती है, वैसे ही खजराना गणेश भी इंदौर के महाराजा धीराज है, उनकी भी शाही सवारी का आधार है। बड़नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के नौ निहालों ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम विद्यालय परिवार के साथ साथ छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने माता पिता पर आधारित एक ऐसी प्रस्तुति दी जिससे वहाँ मौजूद सभी अभिभावक भावुक हो गए। कई छात्रों ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए देशभक्ति पर आधारित गीतों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य भगवान सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी छात्रों के लिए बढ़ना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन आचार्य देवेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। देखिए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और उस दृष्टि से ये देखा जाता है कि बच्चे योग, शारीरिक और सांस्कृतिक सभी चीज़ों में आगे बढ़े। तो एक ये मिला जुला कार्यक्रम रहता है जिसमें अभिभावक भी उस कार्यक्रम में आए
और अभिभावक भी ये समझे कि दोनों हाथ से ताली बजती है तो बच्चों को कैसे तैयार किया जाए और हमारे बच्चों में क्या टैलेंट है वो टैलेंट को समझ सके। तो बच्चों ने अपना टैलेंट यहाँ पर प्रस्तुत किया है और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विद्यालय में होना चाहिए, जो आज प्रस्तुति आप लोगों ने देखी। कोंडागांव जिले के गांव माकड़ी को सांसद दिनेश कश्यप ने दिसंबर 2017 में गोद लिया था। इस दिन के बाद से सांसद कभी इस गांव में पहुंचे ही नहीं। विकास के नाम पर ये गांव कुपोषित ही रह गया। सांसद के दर्शन को तरस रही सड़कों पर अभी भी धूल उड़ रही है। गांव वाले सांसद को पहचानते भी नहीं हैं। पीने के लिए पानी नहीं है और कुल मिलाकर यहां कुछ भी काम नहीं हुआ। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत माकड़ी में जब सांसद दिनेश कश्यप पहुंचे और ग्रामीणों के सामने आदर्श ग्राम की शिलालेख स्थापित की तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गांव वालों का यह सपना केवल सपना ही रह गया, क्योंकि सांसद महोदय ने दोबारा अपने गोद लिए गांव की तरफ कभी मुड़कर देखा ही नहीं। यहां तक कि कभी कोई दिशा निर्देश गांव के विकास के लिए किसी को नहीं दिया। आलम यह है कि गांव के लोग फ्लोराइड के चलते कुएं व झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत से जानकारी लेने पर पता चला कि सांसद गोद ग्राम घोषित होने पर उन्होंने 48,43,000 की कार्य योजना, जिसमें बाजार, शेड, पेयजल, सड़क, ड्रेनेज के कार्य को लेकर जनपद के माध्यम से प्रस्तुत भी कर दिया, लेकिन कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। हम लोग सांसद को नहीं जानते, यहाँ आते नहीं है तो देखे नहीं है, तो कैसे करके जानेंगे। आप लोगों को क्या पता है कि इस गांव को सांसद ने गोद लिया है? लिया है, लेकिन कभी आए नहीं? नहीं आए। रायपुर के बाद भिलाई में भी पत्रकारों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे की है, जब पत्रकार जिला भिलाई भाजपा की बैठक का कवरेज करने पहुंचे, तब भाजपा के कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे थे। इसी कवरेज के लिए पहुंचे राष्ट्रीय अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ भाजपा नेताओं ने अपमानजनक व्यवहार किया। भुजमेयों के महामंत्री कन्हैया सोनी ने एक अखबार के फोटो जर्नलिस्ट को धक्का देते हुए बाहर निकाला, और यही नहीं, बाहर निकालने के बाद सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ ऊंची आवाज में बात की। ये सब भाजपा के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा के सामने हुआ। रिपोर्ट, News 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार News 29 इंडिया के साथ जारी रहेगा। एक देश, सारे प्रदेश।